हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है दोस्तों सैटरडे और मैं निकल पड़ा हूँ जिम के लिए। कल रात को मैं 1 बजे आया ऑफिस पार्टी से, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है एंड मैं फिर भी वर्कआउट करने जा रहा हूँ क्योंकि कल रात को मैंने बहुत हैवी डिनर किया था, तो मुझे लगता है कि मेरे को आज का सुबह का वर्कआउट मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि आज मेरे ट्रेनर ने कहा था कि आज कुछ फंक्शनल वर्कआउट होने वाला है, जिसके वजह से मैं उसको मिस नहीं करना चाहता था और जितने कैलोरीज लिए हैं उतने कैलोरीज निकालने भी है, तो वर्कआउट करने के बाद मैं आराम करने वाला हूँ आज। चलो चलो चलो, गाइस वर्कआउट तो हो चुका है, यहाँ से अंडे ले लेता हूँ अपने लिए। दो वर्कआउट के बाद बॉडी हो गई है पूरी डिहाइड्रेटेड, तो एक नारियल पानी भी पी लेते हैं, फ्रेश नारियल पानी। गाइस फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ और फंक्शनल ट्रेनिंग के बाद एब्सोल्यूट जीरो एनर्जी, मेरा अपना टी शर्ट भीग चुका है, बट रीहाइड्रेशन के लिए मैंने नारियल पानी पी लिया था, एम्पल ऑफ वाटर मुझे पीना पड़ेगा। फटाफट पहले फ्रेश हो जाता हूँ, फिर पूजा पाठ कर लेता हूँ और फिर मुझे ऑफिस भी जाना है छोटे से काम के लिए, उसके बाद हम लोग कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। पूजा तो हो चुकी है दोस्तों, अब कल का जो पार्टी है, जैसे मेरा गला बैठा हुआ है, हल्की सी सर्दी ऐसा फील हो रहा है, खांसी हो रही है, तो इसलिए मैंने गर्म पानी में ज़िंदा तिलिस्मा डाला है, तो इससे मुझे बहुत रिलीफ मिलता है हर बारी की तरह, तो आज भी वही पी रहा हूँ मैं। गाइस दिया बत्ती करने के बाद मैं थोड़ा सा एक नैप ले लिया था बिकॉज मैं बहुत कम सोया हूँ, अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। शानवी को देखो, मुझको चोट तो ही नहीं है, छोड़ता ही नहीं मुझको, प्यारा बाबू अभी ये मेला, ये मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना है पोहा और चाय, तो वो पहले फिनिश कर देता हूँ। तो अभी दोस्तों मैं ऑफिस आया हूँ और आप देख सकते हैं ऑफिस में जो काम कर रहे हैं ऑफिस का, उनको छोड़ के और दो डिजाइनिंग वाले बंदों को छोड़ के और कोई भी नहीं है ऑफिस में, तो ये अर्जेंट काम आ गया क्लाइंट का, जिसकी वजह से हमें ऑफिस आना पड़ा है, तो थोड़ी देर के बाद निकल जाएंगे हम, जैसे काम हो जाता है। तो गाइस मैं अपने घर के यहाँ पे आ गया हूँ बिकॉज मुझे बोला गया है कि गाड़ी ओला बुक करी है, हमने एक्चुअली मीरा रोड जाना, मेरी बहन का बर्थडे है, आपको याद होगा जो मेरी बुआ रहती है मीरा रोड में, उसकी छोटी बेटी का बर्थडे है, तो हम सब लोग वहीं पर जा रहे हैं। और आते आते ऑफिस से आते आते मुझे वीना ने कहा कि 7-Eleven से कुछ उठा ले, कुछ हेल्दी सा, तो मैंने तो अपने लिए प्रोटीन शेक और प्रोटीन बार उठा लिया, बाकी उसके लिए भी मैंने कोल्ड कॉफ़ी और चिप्स उठाए, अभी वेट कर रहा हूँ कि वो लोग कब नीचे आएंगे और कब ओला आएगा और कब हम जाएंगे। तो मैं तो घर पे ही आ गया हूँ दोस्तों, और मेरी शानवी देखो, मेरी शानवी सो गई है। मुझे ना दोस्तों वापस से घर पर जाना पड़ रहा है क्योंकि मम्मी ने बोला कि एक बार दरवाज़ा चेक कर ले, मम्मी को काफ़ी डर लगता है, और इसलिए मैं वापस ऊपर जा रहा हूँ तो चेक करने के लिए कि दरवाज़ा अच्छे से लगा है कि नहीं, तो चेक कर लेता हूँ भाई, सब लगा हुआ है। तो हमारा कैब आ चुका है और एक्चुअली हमारे साथ कविता भी ज्वाइन कर रही है, तो कविता भी आई है। पीछे कौन कौन बैठ रहा है भाई? पीछे बैठे कविता और काजल। चल फाइनली गाइस हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है, रास्ते के लिए मैंने अपने प्रोटीन बार प्रोटीन शेक लिया है, पीछे ये लोग कजर बजर खा रहे हैं, शानवी तो सो गई है, थोड़ा सो गई है, पर फिर खाना, अगर वो सोई ही नहीं ना तो खाना नहीं खाएगी, तो मम्मी ने उसको सुला दिया है। बस
हेलो हेलो एवरीवन, नमस्ते 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 नमस्ते। हमें आते आते बच गए हैं 3:30, तो आते ही हमने खाना स्टार्ट कर दिया। ये है हमारा आज का लंच, राजमा चावल, पनीर की सब्जी, रायता, सैलड और पकौड़े। फुल वैरायटी बना रखी है सास जी ने। तो अभी हम निकल रहे हैं आराध्या के बर्थडे पार्टी के लिए, और वीना और काजल अभी भी तैयार हो रहे हैं। मैं, मम्मी और सासू जी निकल जाएंगे, बिकॉज बहुत लेट हो गया, ऑलरेडी 7 बज गया है और 8 बजे केक कटिंग होगी। तो हम लोग तो जा रहे हैं, ये लोग लेट होंगे। इनका मेकअप अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, आप देख सकते हैं। मेरा अभी तक चालू ही नहीं किया है, तो मैं निकल रहा हूँ। अच्छा नहीं लगता ना इनको? तो लग जाता है अच्छा, पता नहीं कैसा लगता अच्छा इन लोगों को। और ये देखिए, इसको देखिए, ध्यान से देखिए शक्ल। अरे मुझे लगा उसको दिखा रहे हैं। और इसको भी देखिए, चलो चलो बाय शानू। तो बाद में आएगी ना मम्मी के साथ, चलो बाय। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं आराध्या के बर्थडे में। हैप्पी बर्थडे आराध्या। हैप्पी बर्थडे आराध्या। प्रणाम प्रणाम नान जी, प्रणाम प्रणाम। नानी नाना ही तो यहाँ पर सब बलून फुला रहे हैं, और सौरभ को देखें एक बलून नहीं फूल रहा उससे। हाँ इतना उसका बलून, उसका पेट फूल रहा है बलून के बदले। तो यहाँ पर फुफू और भतीजी मिल चुके हैं। 3 तारीख को फुफू का बर्थडे है, 10 तारीख को भतीजी का बर्थडे है। एक दिन छोटा बच्चा है, कपड़े का क्या कर रहे हो तुम दोनों? शाना को फ्रेंडशिप करनी है। बाबा नो नो टचिंग फेस, नो टचिंग फेस। सानू को आराध्या का हेयर बैंड पसंद आया लगता है। वाह शानू, नो टचिंग, नो नो शानू, नो नो। इधर आओ जरा, मारा तुमको किसने? तो लाल लाल कैसे लगा है? मेकअप है। मेकअप? इतनी जल्दी मेकअप कौन लगाता है तुमको? तुम्हारी उम्र कितनी है? नहीं बट तुम्हारी एज कितनी है? हाउ ओल्ड आर यू? कौन से स्टैंडर्ड में हो? स्कूल जाती हो तुम? जाती हो? फिर स्कूल में मेकअप लगाती हो? नहीं। मैं वीडियो बना रहे थे। केक आ गया देखो। करते हो मेरे को सब्सक्राइब? सब्सक्राइब करते हो कि नहीं? नाम बताओ। मेरा नाम क्या है? वीरेन के व्लॉग्स। क्या? वीरेन के व्लॉग्स। 2 1 Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Aradhya, happy birthday to you. Radhe Radhe, sab karo sab ko badal laga di. तुम लोग अभी कभी भी मुझे सब्सक्राइब करोगे, सर्च करना वीरेंद्र सिंह रावत, ठीक है? ब्लॉग्स भी लिखे हैं। सिर्फ वीरेंद्र सिंह रावत डालोगे तो मेरा फोटो आएगा।
सब्सक्राइब करोगे सब लोग? यस। सारे फोन से मजा आ रहा है तुम लोग को? केक केक अच्छा है? केक अच्छा है? जोर से बोलो। अच्छा है ना केक? इन लोगों को देख के अपना गांव देवी वाला टाइम याद आ गया। देखिए यहाँ पे अंदर बैठ के खा रहे हैं ये लोग, छुप छुप के खा रहे केक और वेफर्स। गाइस फाइनली घर जाने का टाइम आ गया। मैं बहुत ज़बरदस्त थका हुआ, बिकॉज़ नींद पूरी नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किया है और थकान ज़बरदस्त थकान है। सोचो कब घर पहुँचूँगा, कब मैं सो जाऊँगा। तो हमारी कैब आ चुकी है, सासू जी किरण के साथ जा रही है। चलो बाय 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 एवरीवन, बाय बाय, आराम से लेके जा। चल बाय आराध्या, बाय बाय आराध्या, बाय बाय आराध्या, बाय बाय आराध्या। चलो 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 बैठो बैठो, चलो टाटा टाटा। गाइस फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं। जैसे कि आपसे कहा, बहुत ज़्यादा थका हूँ मैं स्पेशली, बाकी लोग तो थके ही है और मेरे को बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ अपने अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए सी या।